फीसद इजाफा किया। हमारा बुजुर्गों के लिए पेंशन में 100% इजाफा किया। जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 100% से ज्यादा इजाफा किया। और जो हमारे सफाई थे, फौजी सफाई है, जो सरहद का तहफ्फुज़ कर रहे थे, दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे थे, तो सदर सरदारी ने उनका तनख्वाह में 175% इजाफा किया। ये होता है रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाना और रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे अमल करवाना। 16,000 मुलाजमीन जिनको शहीद बीबी ने रोजगार दिलवाई थी उनको जबरदस्ती बेरोजगार करवाया गया। हुकूमत में होते हुए उनको नहीं बचा सका, मगर पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने उन 16,000 मुलाजमीन के लिए जिद्दोजहद लड़ी, अदालत में गए और ऑपोजिशन में होते हुए 16,000 खानदानों को बहाल किया। हम तो ऑपोजिशन में भी रोटी कपड़ा मकान दिलवाते हैं।